फिर ये पंगे अब दोबारा सारे ऐड होंगे धीरे धीरे, जल्दी से ऐड हो भाई यार सब। अब हो रही है ना रिकॉर्डिंग? हाँ तो जो मैं बात बोल रहा था भाई, अगर जिसके भी इस टाइप का कोई डाउट हो कि सेट्स कब चालू होगा, बेसिक मैथ्स कितने दिन और चलेगा, मेडिकल वालों का, नॉन मेडिकल वालों का, सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या होगा, सर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले कब करवाओगे, सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला कब आएगा, सर ग्राफ कब बताओगे, रेंज कब बताओगे, ये कब होगा, वो कब होगा, भाई ये डाउट मैं चैट में पढ़ूंगा भी नहीं इसके बाद, आज के बाद, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी इस तरीके के डाउट हो, तुम्हारी क्यूरियोसिटी हो कि सेट कब चालू होगा, रिलेशन कब चालू होगा, फंक्शन कब चालू होगा, तो वो अपने डाउट्स अगर ऐसे हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लिया करो। क्लास में अब से ये फालतू के डाउट कोई नहीं पूछेगा। दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, मैं आराम से पढ़ाऊंगा, एक बार रिपीट करूंगा, अगर तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं ये नहीं कह रहा कि बस हो गया काम, मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी, लेकिन उसके बाद लेक्चर अपलोड हो रहा है, उस लेक्चर को दोबारा देखने की कोशिश करो, फिर भी दिक्कत आए व्हाट्सएप पर फिर पूछो, व्हाट्सएप पर भले ही 10 बार पूछो, लेकिन क्लास का टाइम बहुत प्रेशियस है, एक एक घंटे की क्लास है और बहुत कम टाइम है घंटा। नॉर्मली जब ऑफलाइन क्लास अगर लगती है, जब तुम ऑफलाइन क्लास अटेंड करने आओगे सेंटर पर, तो हर क्लास 1.5 घंटे की होती है, ठीक है? तब जाकर अपना ढंग से सिलेबस कवर हो पाता है। तो 1 घंटे की वैसे ही थोड़ी क्लास कम चल रही है, तो मैं मैक्सिमम एक बार रिपीट करूंगा, अगर वो भी तुम्हारा डाउट होगा तो। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर वो बस हो गया, बस कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसा कतई नहीं बोला जा रहा तुमसे। YouTube पर जब अपलोड होगा शाम को, उस लेक्चर को, उतने पार्ट को, 10-15 मिनट का जो पार्ट है जो समझ में नहीं आया, उसको दोबारा देखो, उसमें कोई डाउट हो तो उसका स्क्रीनशॉट लो, जिस स्टेप में दिक्कत है उस स्टेप पे सर्कल करके दोबारा भेज दो, व्हाट्सएप पर भेज दो, व्हाट्सएप पर चाहे भले तुम एक डाउट 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्लास के बाहर का टाइम है, उस टाइम मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, डाउट पूछते रहो, ठीक है? सहमत हो इन सब बातों से? सर जो कल इक्वेशन थी एल इक्वल टू आर थीटा, वो समझ आ गई, बट सर उसकी डेरिवेशन नहीं समझ में आई। डेरिवेशन भाई उसकी यूनिटरी मेथड है, जैसा कि मैंने कहा 2-3 बार, मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, लेक्चर देखा तूने चिन्मय दोबारा? चिन्मय लेक्चर देखा था दोबारा? अब वही दिक्कत है ना बच्चे, अब तू ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि मैं कल का टॉपिक दोबारा कि यहां पर पूरा रिपीट करूंगा। वो लेक्चर जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ना, पूरा लेक्चर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो 5-10 मिनट की चीज अगर कोई डाउट रहेगी गलती से तो वो देखो, और उसमें फिर डाउट आए तो फिर व्हाट्सएप पर पूछो, क्योंकि उससे क्लास का बहुत टाइम वेस्ट होता है, एक बच्चे का डाउट 3 बार बताने के चक्कर में बाकी जो 150-180 बच्चा बैठे है उसका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और तुम्हारा टाइम भी जरूरी है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हें भी समझ में आना जरूरी है, जब तक एक एक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तब तक मेरे लिए भी संतुष्टि नहीं है, लेकिन वो क्लास के बाहर फिर, ठीक है? सर टू एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, वो मैं चीज दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आज उसी पर सबसे पहले काम करने, तो मैं हल्का सा कल का ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमने बात करी थी एंगल क्या होता है, एंगल मतलब एक लाइन को रोटेट, कितना रोटेट करें कि वो दूसरी लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाए, फिर हमने कहा था डिस्टेंस को मेजर करने की अलग अलग यूनिट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही एंगल को मेजर करने की भी अलग अलग यूनिट्स हैं। पहला हमने सिस्टम पढ़ा था सेक्साजेसिमल यानी इंग्लिश सिस्टम, उसमें हमने कहा था कि जो यूनिट यूज होती है वो डिग्री है, एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होंगे, डिग्री की सब यूनिट मिनट मिनट होती है, एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स,
ग्रेट सेंटिस्मल फ्रेंच सिस्टम, वो हमने कहा था ऑब्सोलीट यूज होता नहीं। आईआईटी ने 35-40 साल की हिस्ट्री में आज तक ग्रेड्स के बारे में नहीं बात करी है। अगर इक्की दुक्की बार बात करी हो तो मुझे भी याद नहीं, मैक्सिमम एक बार बात करी होगी अगर करी होगी तो कभी। मेडिकल वालों तुम्हारे तो कतई काम का नहीं होगा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था सर्कुलर सिस्टम, जो कि जरूरी है। उसमें हमने कहा था कि अगर एक सर्कल हो जिसकी रेडियस आर के बराबर है, और अगर हम आर लेंथ का ही एक आर्क ले लें, जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ होनी चाहिए आर्क की, तो जो आर्क सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। लेकिन हमने कहा था जरूरी नहीं ना आर्क की लेंथ एल के बराबर ही हो, आर के बराबर ही हो। लेंथ उसकी आर से बड़ी भी हो सकती है, आर से छोटी भी हो सकती है। तो अगर मैं छोटा या बड़ा आर्क लूं तो तब कितना एंगल बनेगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एल इक्वल टू आर थीटा, जिसमें एल का मतलब था लेंथ ऑफ आर्क, आर का मतलब था रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा का मतलब था एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और थीटा मैंने कहा था रेडियन में लेना जरूरी है, अगर एंगल को रेडियन में नहीं लोगे तो वो फॉर्मूला गलत है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन रेट बताया था, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे रेडियन और डिग्री को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था, अगर तुम्हें एंगल रेडियन में दिया हुआ है, आर का मतलब क्या है एंगल रेडियन में गिवन है, डी का मतलब हमें डिग्री में निकालना है, रेडियन में दिया हुआ है डिग्री में निकालना है, तो क्या करोगे इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसमें पाई की वैल्यू मैंने बताया था 3.14 है, वही इरेशनल नंबर है जो हम बचपन से पढ़ते हैं 22/7। और अगर तुम्हें रेडियन से डिग्री में जाना होगा, सॉरी डिग्री से रेडियन में जाना होगा, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो, 1 रेडियन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 57 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, 57 डिग्री, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, कभी कभी बाद में जाके काम आ जाती है। दूसरी बात जो बच्चों तुम्हें ध्यान देनी होगी, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या नहीं है, हमेशा होगा। जैसे मैंने तुम्हें क्या कहा, रेडियन को अगर लिखना है तो रेडियन को लिखने का तरीका क्या होगा, 1 के ऊपर एक छोटा सा सी लगा दो। लेकिन नॉर्मली हम ये चीज नहीं करते, होता क्या है अगर कभी भी तुम्हें एंगल थीटा दे दिया जाए ना, थीटा 4 के बराबर है, अब इस 4 के ऊपर ना तो डिग्री लिखा हुआ है, ना इस 4 के ऊपर ग्रेड लिखा हुआ है, ना इस 4 के ऊपर रेडियन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर कोई भी यूनिट ना यूज करी हो एंगल के लिए तो तुम्हें मानकर चलना है कि वो एंगल रेडियन में लिखा होगा, ठीक है। दोबारा फिर बोल रहा हूं, अगर किसी एंगल के ऊपर नहीं अभी चल, अगर किसी एंगल के ऊपर डिग्री ग्रेड या रेडियन ना लिखा हो तो हमें मानकर चलना है कि वो जो एंगल दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। ये बात हुई, अब इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट करने का तरीका हमने सीख लिया, डिग्री से रेडियन का, रेडियन से डिग्री का। अब मैं कुछ एंगल्स लिख रहा हूं, तुम्हें उनको रेडियन में कन्वर्ट करने होंगे, जल्दी से लिखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स from degrees to radians, degree से radian में इन angles को convert करना है। सबसे पहले है 0 degree, फिर है 30 degree, फिर है 60 degree, या 60 से पहले भी लिखो 45 degree, फिर है 60 degree, 90 degree, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270,
300, 315, 330, 360। जल्दी से इन सभी एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करो, 3-4 मिनट का समय है, जल्दी से। टीशा अभी तक कुछ नहीं करवाया, अभी तक मैंने सिर्फ पुरानी चीजें रिपीट करी हैं, और इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो। अभी तक जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बस उतना ही बताया है। आंसर लिखकर मत भेजना, वो अपने डिस्कस करेंगे तभी बात कर लेंगे, ठीक है। आंसर पाई की फॉर्म में देना है, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, तुम्हें 3.14 वगैरह वैल्यू पुट करने में लग जाओ, आंसर पाई में आएगा। जैसे 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2। हर्ष, अगर भाई स्क्रीन ब्लर आ रही है तो तेरे नेटवर्क में थोड़ा इश्यू होगा, एक बार क्लास लीव करके, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख। फ्रैक्शन में छोड़ने, जैसे 30 डिग्री आया होगा पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 लिखना है उसको, डिवाइड वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 2π/4 आ रहे तो 2π, मतलब 2π/3 आ रहे तो 2π/3 छोड़ दो बस। टीशा 17π/36 तो इनमें से किसी का भी आंसर नहीं है। हो गए सबके, बस जल्दी से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी स्पीड बनाओ अपनी, स्पीड का बहुत बड़ा खेल है अपना, नीट के एग्जाम में भी और आईआईटी के एग्जाम में भी। नहीं अक्षिता, रेडियन का साइन नहीं लगाना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर रेडियन का साइन नहीं लगा हुआ तब भी रेडियन नहीं हो। तो बस ये आखिरी क्लास थी जब मैंने सी लिखा, आज के बाद मैं सी भी नहीं लिखूंगा रेडियन के लिए, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो रेडियन है अपने आप। करें डिस्कस। अब सबसे पहली बात तो तुम नोटिस करोगे, ये जो एंगल लिखे हुए मैंने धक्के से, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, मतलब किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है, लेकिन ये कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, इनको हमें एक तरह से याद ही रखना पड़ता है। याद ऐसा नहीं कि रट्टे मारेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाते हैं अपने आप, थोड़ा बहुत 3-4 बार पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि तुम नोटिस करो, 0, 30, 45, 60 और 90, ये वो एंगल्स हैं जिन पर हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू जानते हैं और पढ़ते हैं, और बाकी जो एंगल आ रहे हैं वो सभी इनके मल्टीपल आ रहे हैं। जैसे 60 का डबल करोगे तो 120 आएगा, अच्छा 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा, या 90+45 135 होता है, 90+60 150 होते हैं, और 90+90 180 होते हैं। 180 में 30 ऐड करोगे तो 210 डिग्री आएगा, 180 में 45 ऐड करोगे तो 225 डिग्री आएगा, 180 में 60 ऐड करोगे तो 240 डिग्री आएगा। तो ये सभी स्पेशल एंगल्स हैं हमारे पास, तो कन्वर्ट करना चालू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो मैंने कल भी नोट लिखवाया था, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा पाई बाय 6, 45 को करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। अब ये नहीं है कि मैं मन में इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे याद ही हो रखी है क्योंकि यूज इतनी बार होते हैं, तो तुम्हें भी कोशिश करनी है याद हो जाए। 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2, अच्छा। अब 120 डिग्री है, 120 डिग्री मुझे पता है 60 का मल्टीपल है, 60 का डबल है,
60 का डबल करेंगे तो 120 आएगा, पाई बाय 3 का डबल करेंगे, डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 पाई बाय 3 आएगा। 30 डिग्री को याद छोड़ो एक मिनट, जैसा कि मैंने कहा 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135, पाई बाय 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई बाय 4। जरूरी नहीं है ये वाला काम करना, तुम डायरेक्ट इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, जितना कैंसिल आउट हो रहा है उतना कैंसिल आउट करो, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। 150 डिग्री कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6। 180 डिग्री ये पाई होता है, 210 डिग्री ये आएगा 7 पाई बाय 6, 225 डिग्री ये आएगा 5 पाई बाय 4, 240 डिग्री ये आएगा पाई प्लस पाई बाय 3 यानी 4 पाई बाय 3, 270 डिग्री ये आएगा 3 पाई बाय 2, 300 डिग्री ये आएगा 5 पाई बाय 3, एक मिनट रुको सोचने दो, हाँ 5 पाई बाय 3, 315 डिग्री ये होगा 7 पाई बाय 4, ये होगा 11 पाई बाय 6 और ये होगा 2 पाई। ठीक है, कन्वर्ट तुम कर लोगे, बार एक बार घर जाकर ना दो तीन बार इनको पढ़कर देख लेना या दो तीन बार कन्वर्ट करके देख लेना, कुछ एंगल्स तो याद होने चालू हो जाएंगे। और जो एंगल्स हमें याद रखने हैं, देखो 0 डिग्री तो 0 रेडियन है ये तो है ही, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई। ये जो 8 एंगल हैं ये तो याद होने ही चाहिए, इनको याद करना जरूरी है। ये ऐसे एंगल्स हैं जो मतलब बहुत यूज होते हैं, मतलब आने वाले 6-7 लेक्चर जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ये एंगल्स तो यूज होते ही रहेंगे। ठीक है, तो इनको तो याद करना ही पड़ेगा तुम्हें, जल्दी से नोट करो। अगर किसी ने नोट नहीं करा, किसी पार्ट में डाउट है, किसी पार्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा, तो जल्दी से पूछ लो, फिर कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। अक्षत 16th का नहीं मैच करा, 16th में भाई देख क्या दिया हुआ है, 330 डिग्री दिया हुआ है, तो 330 डिग्री को तू क्या करेगा, पाई बाय 360 से मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूं, पाई बाय 180 से, 0 से 0 कटेगा, 33 को 3 से डिवाइड करेगा तो 11 पाई, 18 को 3 से डिवाइड करेगा तो 6, ये आ जाएगा 11 पाई बाय 6। सिंपल है, किसी को डाउट नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना बस, जैसे किलोमीटर को मीटर में करते हैं वैसे ही इसको कन्वर्ट कर ले। सर बट आपका 10 पाई बाय 6 आया हुआ है आंसर में, कहां पर 10 पाई बाय 6 आया हुआ, कहां पर 11th में तो 5 पाई बाय 4 है। अच्छा ये चीज क्या, ये 11 पाई बाय 6 लिखा हुआ है, ये 11 पाई बाय 6 है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि हमारी कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाए कि हम मन की मन में बता सके, हमें वो पूरा मेहनत ना करनी पड़े। हाँ बहुत बढ़िया, अगर सारे ठीक थे तो अगला क्वेश्चन करो, जो हमने कल पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड है। लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क विच सबटेंड्स 45 डिग्री at the center of the circle whose radius is, अच्छा दूसरी बात, जैसे मैंने यहां पर 5 पाई बाय 4 लिखा हुआ है तो तुम्हें इसे 1.25 पाई नहीं लिखना, हम इसको 5 पाई बाय 4 से ही याद करते हैं, वही बोलते हैं और वही सवालों में हमें दिखेगा। क्वेश्चन बनाने वाला कभी भी 1.25 पाई नहीं लिख कर देता, तो हमें यही फॉर्म याद रखनी है। At the center of the circle whose radius is, क्या लिखोगे, 20 सेंटीमीटर लिखो, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का कितना आएगा, 2 मिनट का समय तुम्हारे पास, चेक करो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, क्या कंसेप्ट लगेगा। नहीं काफी बच्चे गलत बता रहे हैं भाई, 900 तो कतई नहीं आएगा, एक बहुत बेसिक मिस्टेक कह रहे हो जिसके लिए मैंने मना किया बार बार कि वो मिस्टेक नहीं करनी अपने को।
क्या करोगे? हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, तो एल इक्वल टू आर थीटा लगेगा फॉर्मूला। तो एल इक्वल टू आर थीटा, लेंथ ऑफ आर्क तो हमें निकालना ही है, रेडियस हमें कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, इनटू में आएगा थीटा यानी एंगल, एंगल कितना दिया हुआ है अपने को 45 डिग्री। हमें बोला हुआ है ये जो आर्क है वो सेंटर पर एंगल बना रहे 45 डिग्री, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मुझे डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एंगल रेडियन में होगा, तो मुझे 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमने पहले कन्वर्ट करा है थोड़ी देर पहले, 45 डिग्री रेडियन में कितना आया था, पाई बाय 4, तो मैं यहां पर 45 डिग्री ना वैल्यू पुट करके पाई बाय 4 वैल्यू पुट करूंगा, ये कटेगा, तो लेंथ आ जाएगी 5 पाई। अब रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो लेंथ ऑफ आर्क भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, यह आंसर है अपना। बस तो ध्यान देने वाली बात के कि जो एंगल यूज होगा वो रेडियन में यूज होगा, डिग्री में कतई नहीं यूज करना उसे। जल्दी से नोट करो, अगला सवाल लिखते हैं। इफ एन आर्क, और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना इसमें, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ कितना लिखोगे, 25 सेंटीमीटर सबटेंड्स सबटेंड्स, इस तरीके से लिख लो सबटेंड्स 90 डिग्री, या 90 डिग्री छोड़ो 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, तमीज से, कि क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज ढंग से। नहीं रचित, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी भाई, इसमें पाई में ही छोड़ना है अपने को। या ना रेडियस उसकी मर्जी है, वो मीटर में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में भी दे सकता है। अगर उसने रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में आएगी, अगर उसने मीटर में दिया होता तो लेंथ ऑफ आर्क भी मीटर में आती, या किलोमीटर या लाइट ईयर जो भी। वो उसकी मर्जी पर है। तनुष का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार ट्राई कर, पढ़ने की कोशिश कर, फिगर बनाने की कोशिश कर, डिस्कस तो अभी एक दो मिनट में करेंगे अपने। ठीक है, काफी बच्चों के तो आंसर आ रहे हैं, पता नहीं सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, मुझे भी निकालना पड़ेगा। निष्ठा, एंगल है 120 डिग्री और स्क्रीन ब्लर इस तरीके इस वजह से होगी, या तो यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी या तुम्हारे घर पे होगी। तो तुम्हारे घर पे होगी तो एक बार वो मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख लिया करो, वैसे एंगल 120 डिग्री लिखा हुआ है। और एक मैसेज एक बार भेजा करो, आंसर लिखना बंद करो भाई, देखो इस सवाल का मतलब क्या है, हमें क्या बोलोगे। ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल में एक आर्क है, मान लो ये आर्क है ए बी, ये आर्क जो है ये सर्कमफेरेंस पर, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर एक एंगल सबटेंड करते, मतलब
एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल आ रहा है, ये एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, देखने में लग नहीं रहा लेकिन मान लो 120 डिग्री है, भाड़ में गई फिगर। तो ये जो आर्क है वो सर्कमफेरेंस पर एंगल सबटेंड करे 120 डिग्री। फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि फॉर्मूला तो यही लगेगा एल इक्वल टू आर थीटा, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी ये कि थीटा जो एंगल होता है वो सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है। अब सेंटर पर बनने वाला एंगल तो दिया नहीं हुआ, हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सर्कमफेरेंस पर बनने वाला एंगल। तो सेंटर पर बनने वाला एंगल तो हम निकाल ही सकते हैं ना, क्या ही दिक्कत होगी, पहाड़ थोड़ा टूट गया। हमें पता है अगर सर्कमफेरेंस पर 120 डिग्री एंगल बन रहा है तो सेंटर पर उसका डबल एंगल बनेगा। अगर डबल एंगल बनेगा तो मतलब कितना एंगल बनेगा? 240 डिग्री। ये बात कहना सही है, ठीक है? ये 120 डिग्री, यहां पर 240 डिग्री, डबल एंगल 9/10 में तुम पढ़कर आते हो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 25 सेंटीमीटर। रेडियस हमें निकालनी है। 240 डिग्री मेरे लिए किसी काम का नहीं है जब तक कि वो रेडियन में ना हो। अभी हमने 240 डिग्री को कन्वर्ट करा था, रेडियन में कितना आया था? 4π/3। वैल्यू पुट कर दो, तो 4π/3 वैल्यू पुट कर दी, ये पूरा का पूरा सामान उठकर उधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 75/4π। लेंथ ऑफ आर्क सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो रेडियस भी आएगी सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करो, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लो। हाँ भाई अर्शवत करा, ठीक है, बहुत बढ़िया। शाइना पाई की वैल्यू इसलिए पुट नहीं करते क्योंकि हमें आंसर पाई की फॉर्म में चाहिए होता है, और वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। नॉर्मली ऑप्शंस पाई में होते हैं तो इसलिए पाई में वैल्यू पुट करते हैं। अगर वो 3.14 वैल्यू पुट करवा के आंसर चाहेगा तो वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो ऑप्शंस देखकर है। फिलहाल हमें कैलकुलेशन करने से मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड तो ना तो मेरे सिखाने वाली चीज है ना तुम्हारे सीखने वाली चीज है, तुम्हें आती है पहले से, वो तो तुम कर लोगे घर पे भी कर लोगे। फिलहाल हम कंसेप्ट सीखने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चिनमय, ये तुमने 9/10 में पढ़ा हुआ है भाई, उतना वो रिवाइज कर लेना एक बार। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, किसी ने बोला है, हमें बोला गया था ए बी जो आर्क है, ये वाला आर्क, ये सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 120 डिग्री। सेंटर पर ना देकर सर्कमफेरेंस पर है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाते वक्त हमें जो थीटा चाहिए वो सेंटर पर एंगल होना चाहिए। तो अगर कोई कोड जो है, अगर ये कोड सर्कल की सर्कमफेरेंस पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो सेंटर पर 2θ एंगल सबटेंड करती है, ये तुम 9/10 में पढ़कर आते हो सर्कल चैप्टर में। तो अगर ये 120 डिग्री एंगल है तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? 240 डिग्री बनेगा। तो वो 240 डिग्री मेरे काम का होगा, लेकिन एंगल हमें डिग्री में पुट नहीं करना होता इस फॉर्मूले में, गलत है वो चीज। तो पहले 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा था, 4π/3 आया था। तो मैं यहां पर थीटा की वैल्यू 240 डिग्री ना पुट करके 4π/3 पुट करूंगा। आर की वैल्यू तो निकालनी थी, लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, वो उठाकर पुट कर दिया, सोल्व करा तो रेडियस आ गई अपने पास, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर the length of the cord AB is equal to 10 centimeter. एक सर्कल है उसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कोड ए बी भी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AB. ट्राई करो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अब देखो चीज वही है, आईआईटी की पढ़ाई में और 9/10 वाली पढ़ाई में वही फर्क है। अब हमने क्या करा, फॉर्मूला पढ़ा। अब फॉर्मूले के ऊपर हमने दो सवाल करे, दोनों सवाल आपस में अलग थे, कुछ कुछ अलग लग रहा था, तो वो हम अब बहुत कम करते हैं कि एक ही सवाल को रिपीट कर करके वैल्यू चेंज करके करते थे। हमने एक नया सवाल करके देख लिया,
हो गया था बहुत बढ़िया, नहीं हुआ था तो हमें वो कंसेप्ट पता चल गया कि ऐसा भी सवाल आ सकते हैं। अब ये जो सवाल है इन दोनों से थोड़ा अलग है, तो वही नए नए सवाल हम करते जाएंगे। वो एक्सपेक्ट मत करना कि एक ही क्वेश्चन में हम बार बार 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री वैल्यू चेंज कर करके अपने काम करेंगे, ठीक है? वो नहीं चलता अपना 11th में। शिवम, जैसा कि मैंने बताया, ये प्रॉपर्टी तुमने 9th-10th में पढ़ी है। टीशा, यहां पर वाई की पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, वैसे रखने की जरूरत नहीं अपने को। मुस्कान, कैन वी फाइंड लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाय दिस फॉर्मूला? हाँ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन वहीं से हम कन्वर्जन रेट निकाल कर आए थे तो जरूरी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में सेंटर वाले एंगल को 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उससे दूसरे वाले आर्क की लेंथ आ जाएगी। जैसे इससे तो ये वाले आर्क की लेंथ आई है, अगर मैं 360 माइनस 120 करूंगा ना ये वाली चीज, तो ये जो बड़े वाला आर्क बच गया, दो छोटे आर्क बनते हैं ना, एक तो ए बी ऊपर वाला आर्क है, एक नीचे वाला बड़े वाला आर्क है, तो उस बड़े वाले आर्क की लेंथ आ जाएगी। मुस्कान, जो डाउट हो वो एक बार भेजने की जरूरत है, बार बार उसको एक ही मैसेज को दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। तूने एक ही डाउट 4 बार पूछा हुआ है, 5 बार, 6 बार। आंसर अभी डिस्कस करते हैं, अभी तुम निकाल लो फिर मैच करेगा। आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं भी मन से जो मेरा मन करे मैं वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे भी निकालना पड़ेगा। अब चेक करो, अब इसने इस क्वेश्चन में एंगल नहीं भी दिया तब भी हम काम कर सकते हैं। उसने इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें दे दी है कि हम आगे प्रोसीड कर पाए। तो नोट्स बनाने बंद करो, लिखना बंद करो, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली बात तो उसने ये बोली है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब सोच के देखो, ये सी सेंटर है, सी ए कितना होगा, रेडियस ही तो होगी ना सेंटर का, सर्कल के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, 10 आएगी। सिमिलरली ये भी कितनी आएगी, 10। अब उसने ए बी कोड की लेंथ हमें बोली हुई है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल, तीनों की तीनों साइड्स बराबर हो जाएं, तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, बाकी के दो भी 60 डिग्री होंगे, लेकिन वो मेरे काम के नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सेंटर वाला एंगल चाहिए, वो आ गया 60 डिग्री। सही बात है, ठीक है, एंगल आ गया अपने पास। ये अपने पास क्या है, माइनर आर्क। अब माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए दोबारा वही फॉर्मूला, एल इक्वल टू आर थीटा। एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क तो निकालना ही है, अच्छा आर का मतलब रेडियस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। थीटा का मतलब एंगल जो सेंटर पर बन रहे,
दोबारा एंगल जो चाहिए हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, कितना आएगा, पाई बाय 3 आएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 10 पाई बाय 3 सेंटीमीटर, ये आंसर। अच्छा अब यहां पर उसने हमसे क्या पूछा था, माइनर आर्क की लेंथ, मान लो वो बोल देता मेजर आर्क की लेंथ बताओ, मेजर आर्क का मतलब ये वाला टुकड़ा जो बाकी टुकड़ा बच गया, जिसको मैं अभी ग्रीन से शेड करूंगा, ये वाला टुकड़ा, अगर वो इसकी लेंथ पूछ लेता तो क्या करते, टोटल सर्कल की सर्कमफेरेंस में से छोटे वाला पार्ट माइनस कर देते तो बाकी बड़ा पार्ट बच जाता, तो वो कर देते, तो वैसे तो उसने पूछा नहीं लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, अगर कभी पूछ ले तो, कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क जो है वो आएगी, जो अपने पास सर्कल की टोटल सर्कमफेरेंस है 2πr, उसमें से माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर देते हैं, माइनर आर्क की लेंथ कितनी है 10π/3, आर की वैल्यू 10 पुट करो कितना बनेगा 20π माइनस 10π/3, सोल्व करके आ जाएगा 50π/3। अगर वो हमसे मेजर आर्क की लेंथ पूछता तो, पूछी तो ही नहीं उसने, जल्दी से नोट करो, कोई डाउट है पूछो जल्दी से। लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने के लिए एंगल 3 डिग्री लेके भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल सही सोच है और काफी अच्छी सोच है, क्योंकि जो मेजर आर्क होगा वो कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा ये वाला, तो टोटल एंगल हम जानते हैं 360 डिग्री होते हैं, उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री, तो करके भी देख लेते हैं क्या ही जा रहे हैं। एल इक्वल टू आर की वैल्यू तो 10 है ही, अब जो एंगल आएगा वो 300 डिग्री आएगा, लेकिन 300 डिग्री को मुझे चाहिए होगा रेडियन में, तो 300 डिग्री को हमने रेडियन में क्या लिखा था 5π/3, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 5π/3, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 50π/3, और वो चेक कर सकते हैं मैच कर भी रहे, बिल्कुल कर सकते हैं वो काम। और क्या डाउट है तुम्हारे सर? रेडियस ग्रेटर देन लार्जर एंगल भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, काफी बच्चों को ये डाउट है सर, कैन वी यूज लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन व्हिच वाज इन 10। हाँ प्रतीक, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, सर्कमफेरेंस पर बनने वाला एंगल। सर 20 पाई कैसे लिया, क्यों लिया? आर की वैल्यू पुट करिए, सर्कल की रेडियस हमें दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, वो यहां पर पुट करेंगे तो 10 × 2 = 20, 25, उस टोटल सर्कमफेरेंस में से माइनर आर्क की लेंथ सेपरेट कर दी, तो सिर्फ और सिर्फ मेजर आर्क की लेंथ बचेगी, अगर वो हमसे पूछ लेता तो, नहीं पूछा तो वो बढ़िया, क्यों पंगे लेंगे अपने। अभिनव मैं भाई ये बात मैं पहले भी एक बच्चे को बोल चुका हूँ और तुझे फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे तीसरी बार बोलने की जरूरत ना पड़े भाई, क्योंकि ये क्लास में क्लास अटेंड करने का तरीका नहीं होता, तू एक डाउट को 10 बार मैसेज करके भेज रहे भाई, इतना वेला मैं नहीं हूँ कि मैं तेरे 10-10 मैसेज दोबारा पढ़ूँ बार बार, एक बार भेज दे सबके डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर गलती से छूट जाए अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तब दोबारा मैसेज कर, एक साथ 10 मैसेज भेजने का क्या मतलब है भाई, बच्चे थोड़ी ना यार, ये चीजें थोड़ा समझानी पड़ेंगी तुम्हें, थीटा बाई 360 × 2π × r वाला फॉर्मूला से भी लिखा, हाँ लिख सकते हो, एक मैसेज 10 बार भेज रखे, सो मतलब हम क्लास 10th में ये फॉर्मूला कन्वर्जन के साथ करते थे। क्रिश भाई मुझे पता नहीं ये फॉर्मूला 10th में है या नहीं है, 10th की एनसीईआरटी खोले हुए बहुत टाइम हो गया, मेरे हिसाब से तो 10th में ये फॉर्मूला नहीं था, हो सकता है तो आईसीएसई बोर्ड का हो तो उसमें ये फॉर्मूला पढ़ाते हो, उसमें मुझे आइडिया नहीं, सीबीएसई में तो नहीं है जहां तक मुझे याद है।
हाँ उसमें तुम यूनिटरी मेथड वगैरह जरूर लगाते थे कि अगर पूरा सर्कल 2 पाई आ रहे हैं, वो अगर 360 डिग्री बना रहे हैं तो 60 डिग्री वाले से इतना एंगल बनेगा। वही काम हमने कल भी किया था यूनिटरी मेथड। हाँ आईसीएसई बोर्ड में तो बहुत कुछ, आईसीएसई बोर्ड में तो डिटरमिनेंट्स वगैरह भी है जो मैं अभी 12th में पढ़ा रहा हूँ। डिटरमिनेंट्स भी पढ़कर आए हो ना तुम लोग, और पहला चैप्टर तुम्हारा स्टॉक मार्केट के ऊपर भी होता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और वो सब कुछ। हाँ भाई प्रतीक मैं बोल चुका हूँ एंगल 90 डिग्री होता है, बोल तो दिया तुझे एक बार, सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है। हाँ वो जीएसटी शेयर डिविडेंड, आईसीएसई बोर्ड इस चीज में बहुत अच्छे है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आने वाले 1-1.5 लेक्चर तक मैं तुम्हें वो पुरानी ट्रिग्नोमेट्री याद दिला देता हूँ, ठीक है? क्योंकि उसमें मुझे पता नहीं कितना तुम्हें आता है कितना नहीं आता। मैं पहले बोल दूं ऑब्वियसली उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उतनी आराम से नहीं करवाऊंगा जितना 10th में करवाते हैं, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 3-3 चाचा प्री बोर्ड के एग्जाम दे चुके हो, ठीक है? तो उसको रिवाइज कर रहे हैं। मेन जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अपनी 1-2 लेक्चर बाद चालू होगी, तो जल्दी से लिखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक्यूट एंगल आ जाए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में, एंगल पता होगा ना 0 से 90 डिग्री वाले एंगल्स को एक्यूट बोला जाता है, 90 से 180 वाले एंगल्स को ऑब्ट्यूस बोला जाता है, ठीक है? तो एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करती है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तुम सब कुछ चीजें पढ़कर आ चुके हो कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाता है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा, इस एंगल को बोल देते हैं थीटा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, ये भी तुम्हें पता है। जिस एंगल की बात कर रहे हो थीटा की बात कर रहे हो, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं तब क्या होगा, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन अब इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस, तो फर्क पड़ता है कि किस एंगल के बारे में काम कर रहे हो, वो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें पता है। फिर 10th में पढ़ाया जाता है कि 6 रेशियो बनते हैं, उन सब की वैल्यू तुम्हें पता है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है पी अपॉन एच, कोस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच, टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसिकेंट थीटा, ये होता है एच अपॉन पी। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा, ये होता है एच अपॉन बी। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये होता है बी अपॉन पी। ये सब चीजें भी तुम पढ़कर आयो, ठीक है? बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा बताना फर्ज है तो भाई मैं बता रहा हूं, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम पूरा पढ़कर आ चुके हो। कुछ बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री, यहां पर लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, साइन से साइन काट दिया, 60 डिग्री अपॉन 30 डिग्री लिख दिया 2। उम्मीद करता हूं तुम्हें पता होगा गलत है, ठीक है? जैसे हम कभी ये नहीं करते ना कि 26 अपॉन 23 है, तो 2 से 2 काट दिया और 6 अपॉन 3 लिख दिया 2। जितना ये गलत है उतना ही ऊपर वाला गलत है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री पूरा का पूरा एक नंबर है, जैसे 26 में 2 इंटू 6 नहीं है ना कि 2 से 2 काट दोगे, 26 पूरा एक नंबर है। तो जैसे यहां पर 2 से 2 नहीं काट सकते, ऊपर भी साइन से साइन नहीं काट सकते, गलत है ये चीज। अच्छा कुछ बच्चे ये भी कर लेते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी आ गया, तो क्या कर लिया, यहां से साइन कॉमन निकाल लिया, इसको लिख दिया ए प्लस बी, कि इन दोनों में से साइन कॉमन निकाल लिया और ए प्लस बी एंगल ऐड कर दिया। ये गलत है, मतलब तुम कभी ये नहीं करते ना कि 22 प्लस 24 है, तो बाहर वाला 2 तो कॉमन निकाल लिया और 2 प्लस 4 6 कर दिया, ये काम करना अलाउड नहीं होता ना, तो वैसे ही ऊपर वाला भी अलाउड नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा पूरा का पूरा एक नंबर है, ठीक है? उसमें तुम साइन और थीटा को अलग अलग नहीं ले सकते अपने, कि साइन से साइन काट दिया या थीटा से थीटा काट दिया, वो नहीं अलाउड अपने पास, ठीक है? दूसरी बात, एक हमारे पास चीज होती है साइन स्केयर थीटा या कोस स्केयर थीटा, टेन स्केयर थीटा, ये चीज तुम भी बचपन में पढ़कर आए हो।
तो इस चीज का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है, एक ये लिखना और एक साइन थीटा का स्क्वायर लिखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, सेम नहीं होते। यहां पर क्या है, पूरे साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर है वो। यहां पर क्या है, एंगल का स्क्वायर है और फिर वो साइन के अंदर है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इनको सेम नहीं लेना अपने को, इन बातों का ध्यान रखना। हाँ, वो पंडित बद्री प्रसाद वगैरह से अगर याद करते हो तो बहुत बढ़िया। पता है ना सबको ये चीजें कि ये नहीं करना। इसके बाद तुम काफी सारे फॉर्मूले पढ़ते हो, काफी सारी तुम आइडेंटिटीज पढ़ते हो, पढ़ते आए हो ना बचपन में, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू वन, तो तुम्हारे प्रॉपर नोट्स बन जाए, ये हर चीज लिखनी है। भले ही तुम टेंथ में पढ़कर आए हो, भले ही तुम्हें आती है, ढंग से प्रॉपर एक जगह लिख लो, ताकि एक ढंग से नोट्स बन जाए बेसिक मैथ्स के इकट्ठे, बाद में कभी भी रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर सको, ठीक है। नोट करना है सब कुछ, कर लिया ये पूरा। एक बच्चा लिख रहा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ भाई, कैसे रट्टे मार लो, मार लो बस। अरे वैसे शर्म की बात है अगर तुम्हें वो याद रखने पड़ रहे हैं, सिंपल अब तो याद हो गए होंगे, शुरू शुरू में तो चलो टीचर को बताना पड़ता होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा कुछ भी, क्या बता रहा था यार मैं। हाँ लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो मैथ्स में हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक हमारे पास होता है आइडेंटिटी, एक वर्ड हमारे पास होता है इक्वेशन। अगर किसी को पता हो तो इन दोनों में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, फर्क क्या है। एक शब्द हम यूज करते हैं मैथ्स में आइडेंटिटी, और दूसरा शब्द यूज करते हैं इक्वेशन। बहुत बढ़िया ठाकुर आदित्य, नहीं बात सुन, इक्वेशन इज ए क्वेश्चन, आइडेंटिटी इज ए फॉर्मूला। नहीं, इक्वेशन बेसिकली ऐसी, मतलब जैसे स्केयर क्या है, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है ना, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है, तो आइडेंटिटी जो है वो इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, या सिंपल लिख लो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये है सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये होता है, इक्वेशन हम शब्द समझते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर होगा, राइट हैंड साइड में नंबर होगा, दोनों को बराबर कर देंगे, वो इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन वो चीज होती है जो एक्स की कुछ वैल्यूज पर सेटिस्फाई हो। जैसे यहां पर तुम एक्स की वैल्यू माइनस टू रखोगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो आ जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा तुम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ये वाली चीज है एक्स का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तुम एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फोर पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई x की वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इक्वेशन वो चीज है जो x की कुछ वैल्यूज पर, वो 10 वैल्यू हो सकती है, 15, 20, 50, 100, भले ही 1 करोड़ वैल्यूज हो, लेकिन कुछ ही वैल्यूज होती हैं जिन पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। आइडेंटिटी वो चीज है जो हमेशा सही है, तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो दोनों नंबर बराबर आएंगे ही आएंगे। जैसे उदाहरण लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन,
तो ये जो चीज है वो आइडेंटिटी है। तुम एक्स की वैल्यू 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 1.7, 1.2, 1.3, माइनस का 3.6, जो तुम्हारा मन करे वो वैल्यू उठाकर पुट कर दो। हर एक्स की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है। तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो हमें वर्ड्स का करेक्ट मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद काम करना चालू करेंगे। दोबारा फिर बोल देता हूं, समराइज कर देता हूं। इक्वेशन वो चीज है जो कभी कभी सही होगी, एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए सही होगी और बाकी वैल्यूज के लिए सही नहीं होगी। आइडेंटिटी क्या है? एक्स की हर वैल्यू के लिए सही होगी, या जो भी वेरिएबल आ रहे, थीटा, वाई, जेड, जो भी आ रहे। तो आइडेंटिटी का मतलब एन इक्वेशन। Which is true for all the values of the variable in its domain is called an identity. ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जो हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन इट्स डोमेन, ये तुम्हारे अभी फिलहाल काम के नहीं है, बस मैं इक्वेशन पूरी लिखना चाहता था, इस वजह से मैंने वो लिख दिया। ये डोमेन वाली चीज लिखनी जरूरी होती है, फिलहाल हमें समझने की जरूरत नहीं। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री के काफी सारे फॉर्मूले या आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, मैं डायरेक्ट बताता रहता हूं। जैसे कुछ तो तुमने ये पढ़ी है कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, पढ़ा है नहीं? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से अगर कोस थीटा इंटू सेकेंट थीटा की बात करी जाए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किसके बराबर होगा? 1। अगर टेन थीटा इंटू कोट थीटा की बात की जाए, तो इसका मल्टीप्लाई भी कितना आएगा? 1 आएगा। ये प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी है। और क्या पढ़ा हमने? और हमने ये पढ़ा है बचपन में कि फिर टीचर्स सिखाते थे, याद करो टेंथ में, कि अगर कोई तुमसे सवाल नहीं हो रहा प्रूव करने वाला, तो तुम क्या करो, सब कुछ साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो साइन थीटा है ही, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कोस थीटा है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो टेन थीटा है, टेन थीटा को याद करो हम क्या लिखते थे? टेन थीटा को हम लिखते थे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, याद आ रहा होगा। और इसी तरीके से जो कोट थीटा था, उसको हम लिखा करते थे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये याद आ रहा होगा। इसके बाद अगर सेकेंड थीटा आ जाए, तो सेकेंड थीटा को तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन कोस थीटा। और अगर कोसेकेंट थीटा आ जाए, तो उसे मैं क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ये तुमने पढ़ा हुआ है। और क्या आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने? और हमने पढ़ा है कि साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू होता है 1। अब ये सारी आइडेंटिटीज मैंने डेफिनेशन बोली भी क्यों थी? क्योंकि ये हर थीटा के लिए सही है। मतलब अगर तुम थीटा की वैल्यू 1 डिग्री पुट कर दो, तो साइन स्केयर 1 डिग्री प्लस कोस स्केयर 1 डिग्री कितना आएगा? 1 आएगा। थीटा की वैल्यू तुमने पुट कर दी 7 डिग्री, तो साइन स्केयर 7 डिग्री, कोस स्केयर 7 डिग्री कितना आएगा? 1 आएगा। सम तो थीटा की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, वो बाद में भी ये फॉर्मूले ट्रू रहेंगे। अगला फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा हुआ है? कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है सेकेंड स्केयर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा तुमने, पढ़े। इसी को हम कन्वर्ट करके एक चीज और लिख देते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हो, ये भी काम आता है, सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। क्लास अभी छोड़ रहा हूं, 2-4 मिनट वेट करो, मुझे पता है तुम्हारी फिजिक्स की स्टार्ट होने वाली है, अभी टाइम है। सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा कितना आएगा? 1 आएगा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले पर तुमने टेंथ में कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, आरडी शर्मा वगैरह में भी दिए हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, याद रखना हमेशा कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है। अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जैसे 2 है, 2 इंटू 1 बाई 2 कितना होता है? 1 होता है ना। क्यों होता है 1? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
तो ऐसी अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई बना रहे तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरीके से जो तीसरा फॉर्मूला पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो कि 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू में होता है कोसिकेंट स्केयर थीटा, और जैसे पहले काम किया था वैसे ही इसमें काम करोगे तो फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होगा 1। और अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये सारी आइडेंटिटीज हैं, हर थीटा की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती हैं, तो तुम्हें इनको याद रखना होगा। आज के लिए इतना ही है, नोट करो, जिसको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ा है वैसे तो सारी चीजें पढ़ी हुई है। कुछ और हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह है वो उनकी बारे में कल बात करेंगे। अच्छा और क्या बात है, तुमने वैल्यूज पढ़ी हैं वो टेबल बनानी सीखी है, याद है वो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 45 90, वो सारी वैल्यूज याद करके आओगे, कल तक याद होनी चाहिए, क्योंकि 10th में तो तुम्हारा काम चल जाता है कि तुम टेबल बना बनाकर वैल्यू चेक कर लेते हो। अब हमारे पास 11th 12th में उतना टाइम नहीं होता कि अगर तुम्हें साइन 30 डिग्री चाहिए तो तुम पहले पूरी टेबल बनाओगे फिर साइन 30 डिग्री बताओगे, तो एटलीस्ट साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन इन सब के लिए तुम्हें वैल्यूज याद होनी चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90 पर, ठीक है। कोसिकेंट की चाहिए तो साइन का उल्टा कर देंगे, सिकेंट की चाहिए तो कोस का उल्टा, कोट की चाहिए तो टेन का उल्टा, लेकिन इन तीन की तो याद करनी ही पड़ेंगे तुम्हें। आज के लिए इतना ही, नोट करो और जाओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। भाई भूल जाते हो इसीलिए तो याद करनी है ना वो, क्योंकि बहुत टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी, जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक एक मिनट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जितनी कैलकुलेशन हमारी फास्ट होगी, जितने हमें चीजें याद होंगी, उतना ज्यादा फायदा है हमारा। नहीं हर्षवर्द, अभी तो बहुत सारी आइडेंटिटीज है बच्चे, ये तो पुरानी वाली है, ये तो बस तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ प्रतीक, इसमें डाउट क्या है तो जो तू बार बार लिख कर भेज रहे, कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इक्वल टू 1, वही तो लिखा हुआ है ना, बस उसको इधर ले जाएगा तो वो बन जाएगा फॉर्मूला, एक ही बात है। रिजुल भाई जब लेक्चर अपलोड होगा तब देख लेना एक बार, थोड़ी बहुत बातें और हुई थी, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। हर्षवर्द अभी आसान नहीं है बच्चे, ये तो पुराना है, अभी तो नया करेंगे, अभी तो वो भी आसान है अगर ढंग से पढ़ेंगे तो, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ पढ़ना है अपने को। मुस्कान कह सकते हैं, लेकिन ये चीज भी गलत है जो तूने बोली है। इनफाइनाइट वैल्यूज का फर्क नहीं होता, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे जिनके इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, लेकिन तब भी वो इक्वेशन होती है, आइडेंटिटी नहीं होती। इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क वही है कि इक्वेशन में कुछ वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी, आइडेंटिटी में हर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, वो मेन मुद्दा नहीं है। नहीं प्रतीक, तेरा भी ये डाउट था तो मैंने जैसे बताया। हाँ हर्ष, तूने बिल्कुल सही कह रहा है, इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं होती लेकिन आइडेंटिटी हर वैल्यू पर ट्रू होती है। चलो भाई कल मिलते हैं, बाय। हार्दिक सर, कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं? भाई कुछ नहीं, कोशिश किया कर कि जैसे अब हम अभी तो हम क्वेश्चन करने स्टार्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिजिक्स में करो या केमिस्ट्री में करो, जितनी कैलकुलेशन हो सके उतनी मन में करने की कोशिश कर। जैसे हमारी सॉरी, अब हमारी आदत होती है, आदत क्या होती है, हमारी मजबूरी है कि जब हमें समझाना होता है तो हम एक एक स्टेप लिख कर दिखाते हैं कि पहले 2πr लिखा, फिर 10π/3 लिखा, फिर r की वैल्यू पुट करी, फिर एक एक स्टेप में, ताकि तुम्हें समझ में आए। कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब तू कर रहे है सोल्व कर रहे है तो तुझे तो पता है ना कि तू क्या कर रहे है, तो कोशिश कर बीच में एक एक दो दो स्टेप खाने की, कि उसको मन में करके डायरेक्ट लिखे तो।
क्योंकि दिमाग हमेशा हमारा तेज चलता है, लिखने में टाइम वेस्ट होता है हमारा। अब जब तू ये चीज ट्राई करेगा तो उससे तुझे गलतियां भी होंगी तेज से शुरू में काफी, ठीक है, उतना दिमाग नहीं भी चलता, उतनी ओरल कैलकुलेशन नहीं हो पाती, लेकिन अगर तू लगा रहेगा ना तो 2-3 महीने में बहुत बढ़िया फर्क दिखना चालू हो जाएगा तुझे, तो उस चीज की आदत बनानी पड़ती है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं अपना, ऑब्जेक्टिव है, अपना आंसर तक पहुंचना हमें, तो तुझे क्या जरूरत है ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क लिखने की, तो सीधा आंसर निकाल अपना, तो वो ट्राई करते हैं तो धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू हो जाता है। कुछ बच्चे मैंने इवन ऐसे भी देखे हैं जो कोशिश कर करके वो तीन तीन चार चार स्टेप खा जाते हैं सीधा, पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए अपने को और थोड़ा पेशेंस चाहिए, 10-15 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगेंगे उसको करने में, ठीक है।